वीके न्यूज़ राष्ट्र के नाम। नमस्कार, मैं अमर राव, आपका स्वागत है वीके न्यूज़ में। आप शादी में जाते हैं, दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देते हैं, तस्वीर खींचते हैं और टूट पड़ते हैं खाने की स्टॉल की तरफ। लजीज खुशबूदार खाने को देखकर मन तो यही करता है कि आज जी भर कर खाए, सब कुछ चट कर जाए। पर रुकिए, कहीं इस खाने में किसी को थूक तो नहीं मिला? रसोई में कोई ऐसा शख्स तो नहीं जो थूक जिहाद को अंजाम दे रहा है, जिसके शिकार आप बन रहे हैं? हैरान ना होइए, एक ऐसा ही मामला फिर से सामने आया है। इस बार एक समझदार बच्चे ने खेल कर दिया और ऐसा खेल कर दिया कि भाई जय जनाब, अब कहीं भी थूक जिहाद या खाने में थूकने से 10 बार सोचेंगे। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक बार फिर थूक लगाकर रोटी बनाने का मामला सामने आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मेरठ के कंकरखेड़ा क्षेत्र में अंबेडकर रोड स्थित लक्ष्मी नगर में गुरुवार को सगाई समारोह था, जिसमें तंदूर पर एक युवक थूक लगाकर रोटी बना रहा था। इसी बीच एक बच्चे ने उसका वीडियो बना लिया और शुक्रवार को अपने परिजनों को दिखा दिया। परिजनों ने वीडियो देखने के बाद ठेकेदार को फोन कर आरोपी को बुलाने को कहा। आरोपी युवक और ठेकेदार के मौके पर पहुंचने के बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना देकर बुला लिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों को हिरासत में ले लिया, उनसे पूछताछ भी की जा रही है। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो में नौशाद नाम का युवक रोटी बना रहा था और रोटी बार बार थूक लगा रहा था। एक बच्चे ने उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वही लोगों का यह भी कहना है कि इस बच्चे को वीडियो तो बनाना था, साथ ही साथ पीछे से आकर धक्का देना था, ताकि ये भट्टी में थूक जिहाद इसका भी हो जाए और ये भस्म हो जाए। वही आरोपी नौशाद केतवाड़ी का रहने वाला है। वही कंकरखेड़ा इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सक्सेना का कहना है कि रोटी में थूक लगाकर सगाई समारोह में परोसने की शिकायत मिली है, आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि इसी साल मेरठ में थूक लगाकर रोटी बनाने का यह दूसरा मामला है। इससे पहले फरवरी 2021 में एक शादी समारोह में थूक लगाकर रोटी बनाने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया गया था। उस आरोपी का नाम नौशाद उर्फ सुहेल था। इस मामले में हिंदू जागरण मंच के सचिन सुरोही ने पुलिस में लिखित शिकायत भी दर्ज कराई थी। आपको बता दें, पूरे साल भर की बात करें तो 9 महीने में 9 लोग रोटी पर थूक लगाकर सेकते हुए पकड़े गए। इन 9 लोगों को कुछ और मामले से संबंधित लोगों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। अब आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और इसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज।